अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ऑपरेशन एम्पलीफायर एज कंपैरेटर। हमने ऑपरेशन एम्पलीफायर के डिफरेंट एप्लीकेशंस को देखा। फर्स्ट हमने उसको एज ए इन्वर्टिंग के तौर पर इस्तेमाल किया, नॉन इन्वर्टिंग के तौर पर इस्तेमाल किया, डिफरेंशिएटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया, इंटीग्रेटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया। आज हम ऑपरेशन एम्पलीफायर को एज ए कंपैरेटर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। मीन कंपैरेटर से मुराद एक ऐसा सर्किट है जो दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है। जिस तरह सिंपल हम कैलकुलेटर में करते हैं, वैल्यूज़ को कंपेयर करके उनका आंसर निकालते हैं, सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन का प्रोसेस हो गया, वो एक्चुअली दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने का प्रोसेस होता है। सिमिलरली हम आज उसको इस्तेमाल करेंगे कि हमारे पास दो वैल्यूज़ को कंपेयर किस तरह किया जाता है, हमें आउटपुट किस तरीके से हासिल होती है। सो ऑपरेशन एम्पलीफायर एज ए कंपैरेटर। ये हमारा आज का टॉपिक है। ऑपरेशन एम्पलीफायर को जब हम कंपैरेटर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे किसी किस्म का फीडबैक इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसकी रीज़न ये होती है कि सर जस्ट ये दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, इसलिए यहाँ पे किसी किस्म का फीडबैक यूज़ नहीं किया जाता। दो इनपुट टर्मिनल दोनों के ऊपर डिफरेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे। ये हमारे पास था इन्वर्टिंग का टर्मिनल और ये था नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग के ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं पोटेंशियल V1 और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं V2 और यहाँ से हम आउटपुट हासिल करेंगे Vout। V1 और V2 के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको हम शो कर लेते हैं Vi प्राइम से। इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ यूँ है। इनपुट V1 इज गिवन टू इन्वर्टिंग टर्मिनल इन्वर्टिंग इनपुट मीन नेगेटिव डायरेक्टली। सेकेंड जो हमने इनपुट प्रोवाइड की है वो हमारे पास है V2। द इनपुट V2 से V1 था, V2 इज गिवन टू नॉन इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग इनपुट मीन पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल था उसको हमने दिया। दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको हमने शो किया Vi प्राइम से। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V1 एंड V2 इज Vi प्राइम। सो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो Vi प्राइम है ये इक्वल है V2 माइनस V1। V2 से V1 को क्यों माइनस किया, इसकी रीज़न ये है कि पॉजिटिव पोटेंशियल जो होता है हमेशा ग्रेटर होता है और जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है हमेशा स्मॉलर होता है, इसलिए हमने Vi प्राइम को लिखा है V2 माइनस V1 से। अगर हम गेन की बात करें कि ऑपरेशन एम्पलीफायर का गेन किस चीज़ के इक्वल होता है, तो गेन को अगर हम फाइंड कर लें तो गेन को हमने शो किया था A इक्वल टू आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। अब जो इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इनपुट दोनों के दरमियान पोटेंशियल का जितना डिफरेंस होगा वही इस ऑपरेशन एम्पलीफायर का इनपुट बनेगा। इट मीन Vout डिवाइड बाय Vi प्राइम। अगर यहाँ से हम आउटपुट की वैल्यू फाइंड करना चाहें, ये डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी A Vi प्राइम इक्वल टू आउटपुट। इसको हम यू भी लिख सकते हैं कि आउटपुट इक्वल टू Vi प्राइम। Vi प्राइम की जगह पे Vi प्राइम की वैल्यू पुट कर दें।
समझो आउटपुट हासिल होगा वी आउट इक्वल टू ए इंटू वी टू माइनस वी वन एज गेन इज वेरी हाई सो हमें मालूम है कि ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो ओपन लूप गेन होता है वो बहुत हाई होता है मेगा ओम के फॉर्म में भी होता है सो हमारे पास जो बाकी फैक्टर बचता है वो है वी टू और वी वन अगर हमारे पास इनपुट के ऊपर वी टू ग्रेटर हो जाए वी वन से तो हमें आउटपुट क्या हासिल होगी अगर वी वन ग्रेटर हो जाए वी टू से तो उस फॉर्म में आउटपुट क्या हासिल होगी क्योंकि हम ऐसे कंपैरेटर को डिस्कस कर रहे हैं तो कंपैरेटर का मतलब ये है कि वी टू और वी वन के वैल्यूज को हमने कंपेयर करना है सो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास इफ वी टू इक्वल हो जाए वी वन के देन यहाँ पे v1 और v2 को अगर हम इक्वल कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा v out इज इक्वल टू ज़ीरो क्योंकि v2 से v1 दोनों एक जैसे क्वांटिटी होंगे दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो आउटपुट बचेगा वो ज़ीरो हो जाएगा सेकंड कंडीशन है इफ v2 लेस हो जाए v1 से देन अगर हमारे पास v2 v1 से लेस हो जाए उस फॉर्म में आउटपुट क्या होगी आई मीन जनरली अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें कोई एग्जांपल लेना चाहें तो v2 की जगह पे सपोज करें आप पुट कर दें 2 वोल्ट और पीक टू पीक 2 वोल्ट और यहाँ पे अप्लाई कर दें 5 वोल्ट तो दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो डेफिनेटली बात हमारे पास आएगा 2 में से 5 माइनस करेंगे तो आउटपुट जो बनेगी वो माइनस 3 वोल्ट मीन 2 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3 वोल्ट इट मीन अगर हमारे इनपुट वोल्टेज V2 लेस हो जाए V1 से तो जो आउटपुट हासिल होगी वो नेगेटिव की फॉर्म में होगी सो देन V out इक्वल टू माइनस VEE मीन आउटपुट जो होगी हमारे पास नेगेटिव होगी ये माइनस VEE क्यों लिखा अगर आपको फर्स्ट लेक्चर याद हो तो उसमें हमने यहाँ पे बायसिंग के लिए पोटेंशियल अप्लाई किया था प्लस VCC और यहाँ पे जो हमने अप्लाई किया था माइनस VEE तो ये वही वाला पोटेंशियल है कि अगर हमारे पास ये वाला पोटेंशियल ग्रेटर स्मॉल हो जाए इस पोटेंशियल के लिए हासिल तो आउटपुट जो होगी वो नेगेटिव के फॉर्म में मिलेगी और अगर हमारे पास ये वाला पोटेंशियल लेस हो जाए इससे तो आउटपुट जो होगी वो VCC के फॉर्म में मिलेगी सो सेकंड कंडीशन है हमारे पास सॉरी थर्ड कंडीशन है इफ V2 ग्रेटर हो जाए V1 से देन अब जो हमारे पास आउटपुट हासिल होगी V2 इज इक्वल टू प्लस VCC मीन हम उसी एग्जांपल को फिर से रिपीट कर लें अब अगर हम यहाँ पे 2 वोल्ट अप्लाई कर दें और यहाँ पे 5 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 2 करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा तो आउटपुट जो हमारे पास हासिल हो रहे हैं वो प्लस VCC हासिल हो जाएंगे मीन आउटपुट हमारे पास पॉजिटिव रहेगी तो ये इस तरह से दो वैल्यूज को कंपेयर करता है कब हमें आउटपुट के ऊपर पोटेंशियल नहीं मिलेगा कब हमें आउटपुट के ऊपर पोटेंशियल पॉजिटिव मिलेगा और किस सूरत में आउटपुट के ऊपर पोटेंशियल नेगेटिव मिलेगा तो ये था हमारे पास ऑपरेशन एम्पलीफायर की एप्लीकेशन एज ए कंपेरेटर